वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्क्लेज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर और देश भर में लग रही पाबंदियों की वजह से हुआ है। लॉकडाउन से देश में गरीबी बढ़ी, लोग बेरोजगार हुए, फिर भी क्यों सरकारें लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं? सवाल यह है कि कोरोना के खिलाफ अधूरी तैयारी सरकारें करें और खामियाजा जनता भुगते, ये कितना जायज है? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप दस्तक देख रहे हैं। आज आपको उस सरकारी संवेदनहीनता के खिलाफ दस्तक देनी है जो आम इंसान को मरता तड़पता देखकर भी नहीं जगता। कोरोना महामारी ने सुशासन के हर उस दावे को धाराशायी कर दिया है जो बिहार की सरकार 15 साल से कर रही है, क्योंकि अगर सरकार के दावों में दम होता तो एक आम आदमी बिना इलाज अस्पताल के बाहर यूं बेदम न होता। दूसरी दस्तक उस सरकारी लापरवाही के खिलाफ जिसने कर्नाटक में 24 लोगों की जान ले ली। पहले बिहार चलते हैं जहां अस्पताल के बाहर कोरोना के एक मरीज गुहार लगाता रहा, मदद मांगता रहा। हमारे रिपोर्टर ने भी याचना की, हेल्पलाइन से मदद मांगी, हर कोई आराम से जवाब देता रहा। ड्यूटी डॉक्टर से अपील की, नर्स से मिन्नतें की। रामशंकर का ऑक्सीजन स्तर शून्य हो गया किसी मदद के बिना। आखिरकार उस मरीज ने कैमरे के सामने दम तोड़ दिया। ये दिल दहलाने वाली दास्तान बिहार के आरा की है। राज्य में महामारी हाहाकार मचा रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं। 3 दिन पे एक बार आके विजिट मारे मारे, 3 दिन में एक बार। अच्छा, 24 घंटा हो गया, लाइन अभी तक नहीं है कि मरीज को नेबुलाइजर दिया जाए। हम लोग लगा रहे हैं ऑक्सीजन, कौन लगाने वाला है वहाँ पे? बहुत ज्यादा कंडीशन सर, 36 वार्ड पे चल रहा है। कौशल दुबे जी बोल रहे हैं, कोविड वार्ड में एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर। उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। कौशल दुबे जी, आपका डॉक्टर नहीं आया, वो मरीज मर गया, एक्सपायर कर गया वो मेरी आँख के सामने से। रमा शंकर का बेटा बेसहारा हो गया, उसके पिता की मौत हो गई। बिहार में आरा के सदर अस्पताल में लोग बिना इलाज ऐसे ही मर रहे हैं। अस्पताल में बिजली नहीं है, इसलिए महिला अपने पति को नेबुलाइजर नहीं दे पा रही है। डॉक्टर देखने नहीं आते, दोपहर तक कोई डॉक्टर या नर्स वार्ड में नहीं दिखता। तीमारदार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा दें। इसके भीतर ये प्रतिबंधित इलाका हम नहीं जा सकते, लेकिन मरीज के तीमारदारों को बैठना पड़ रहा है। बेड तो है लेकिन अभी ऑक्सीजन जहां लगी है, एक मरीज की हालत खराब हो रही है। इस समय लाइट नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बीती रात से लाइट नहीं आई है। किसी को नेबुलाइजर देना है तो नेबुलाइजर दे नहीं सकते। अस्पताल में ना नर्स आया है ना डॉक्टर आए हैं। सुबह के इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, घड़ी में 11:31 हो रहे हैं और इस 11:31 पर अभी तक यहां एक दौरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा जल क्या है, कोविड वार्ड का नियम ऐसा है कि हम वार्ड में नहीं आ सकते, मानना पड़ेगा। आप यहां के सामने देख सकते हैं क्या कंडीशन है मरीज की, तबीयत बिगड़ रही है। पूरी फैमिली देखिए कैसे छटपटा रहा, कोई डॉक्टर नहीं है यहां पे। आप बताइए, मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कर दिया, मल्टीपल टाइम मतलब ये बच्चा गया है ऊपर में बट कोई आने का, 5 बजे सुबह की बात है। मेरे मरीज को नेबुलाइजर लगाना है 1.5 घंटे। बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि नेबुलाइजर 3 टाइम देना है, लेकिन हम बिजली की वजह से अभी तक नेबुलाइजर उनको नहीं दे पा रहे। उनका हाथ भी तेज हो गया है और उनका हाथ भी तेज हो गया है सर। रामाशंकर का ऑक्सीजन का स्तर और गिरने लगा। संवाददाता ने अस्पताल में बैठी नर्स और ड्यूटी डॉक्टर शाइस्ता से गुहार लगाई। नर्स मदद के लिए आगे नहीं आई तो ड्यूटी डॉक्टर ने पल्ला ही झाड़ लिया। कोविड-19 वार्ड के ऊपर 3 वेंटिलेटर वाले बेड बने हुए हैं, वार्ड के बाहर 2 ताले लटके हुए हैं। 3 वेंटिलेटर वाले बेड 8 महीने से बंद पड़े हैं। जिस ICU में वेंटिलेटर रखा है वो गोदाम बना हुआ है। ऊपर से हम लोग को, ऊपर से जब ओपन करेंगे तब ना हम लोग इसका यूज करेंगे। खुला नहीं है अभी, कब से ताला बंद है? ये तो जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ताला बंद है। कितने दिन हो गए इसको? करीब 8 महीना। 8 महीने से बंद है ये ताला। इसमें क्या क्या मशीनें हैं? वेंटिलेटर है। ये बंद क्यों है? ये तो मैनेजर जानेंगे, जब से हम लोग आए हैं तब से बंद है। 8 महीने से ये बंद है। ICU है, यहाँ पर वेंटिलेटर है, जान बचाई जा सकती है, लेकिन इस पर अंदर जाना मना है, ताला लगा हुआ है। कह रहे हैं 8 महीने से ये बंद है। इसमें वेंटिलेटर भी आप देख पा रहे हैं और इससे न जाने कितनी जान बचाई जा सकती है। रमाशंकर के लिए मदद की गुहार करते आज तक संवाददाता ड्यूटी डॉक्टर शाइस्ता के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि बिजली क्यों नहीं है तो डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए मैनेजर जिम्मेदार है। हम मिन्नत करते रहे और डॉक्टर टालती रही। रमाशंकर की मदद के लिए हमने कोविड-19 वार्ड के बाहर लगे हुए पोस्टर पर श्री प्रदीप कुमार के दिए हुए नंबर पर फोन मिलाया। प्रदीप कुमार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कोविड वार्ड में
किसी कौशल दुबे की ड्यूटी है। हमने कौशल को भी फोन मिलाया लेकिन ना उम्मीद ही हाथ लगी। ना है अभी ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन लेवल 36 पे चल रहा है, 93 पर हम लेकर आए थे, 93 पर लेकर आए थे। जान लेगा ये लोग। कौशल दुबे जी बोल रहे हैं? बोलिए। ये कोविड वार्ड में एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर, उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। हाँ। तो आप कुछ कीजिए ना, जल्दी से एक डॉक्टर भेजिए ना जल्दी से। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, लाइट भी नहीं है। वो कौशल दुबे जी ने फोन काट दिया। आरा के इस अस्पताल प्रशासन की बेशर्मी के किस्से आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। ठीक होने वाले मरीजों के साथ फोटो खिंचा लिया जाता है और जो बीमार है उसका हाल तो देख ही रहे हैं। गेट पे माला पहनाया जाता है, आधा किलो का हॉर्लिक्स, एक पैकेट बिस्किट देकर माला पहना के और उनको सम्मानित करके भेजा जाता है। के यहाँ पे फूल माला पहनाए उस दिन, परसों फूल माला पहना के ले जाओ, ठीक है मरीज, ऑक्सीजन पर नाप दिए 93 है, बिना ऑक्सीजन का नाप में नहीं किए, ले जाओ ठीक है, यहाँ पर लेकर आए और मरीज मेरा लेट गया नीचे में। अस्पताल की हालत यह है कि मरीजों को ऑक्सीजन लगाने की जिम्मेदारी तीमारदारों की ही होती है। हम लोग लगा रहे हैं ऑक्सीजन, कौन लगाने वाला है वहाँ पे? हम लोग बोलते हैं कि तुमको जरूरत है तो जाओ तुम खुद लगा लो। आपको पता है कैसे लगाते हैं ऑक्सीजन? सीख गए हैं। कितना ऑक्सीजन की जरूरत है उस अनुसार से ऑक्सीजन देना है, तो हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग अपने से ऑक्सीजन देते हैं। आखिरकार रमाशंकर जिंदगी से जंग हार गए। रमाशंकर अपने पीछे दो बेटे दो बेटियों को छोड़ गए हैं। कौशल दुबे जी, आपका डॉक्टर नहीं आया, वो मरीज मर गया, एक्सपायर कर गया वो मेरी आंख के सामने से। सर से बात करा रहे हैं। क्या करूंगा सर से बात करके, वो मरीज क्या करेगा बात करके? मरीज मेरी आंख के सामने मर गया। हमने डॉक्टर को भी फोन किया, अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया, नहीं उठाया किसी ने फोन, कोई मदद नहीं आई है। ये नहीं देखना चाहते हम, कौन लेगा जिम्मेदार, कौन होगा जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही तय होगी? यहाँ लोग मर रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पटना से सटे आरा के अस्पताल में कैमरा पहुंचा तो सच सामने आया। काश वो सच बिहार के मुख्यमंत्री को भी दिखाई देता, जो हफ्ते में दूसरी बार राजधानी पटना के हालात को देखने सड़कों पर उतरे हैं। सीएम साहब ने कोरोना के हालात को देखने और समझने के लिए ताबड़तोड़ कई जगहों का दौरा किया। कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच मुख्यमंत्री एक्शन में दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके अधिकारी भी बड़े बड़े दावे करने से नहीं चूक रहे। राजधानी पटना में 110 बिस्तर वाले अस्थायी अस्पताल की शुरुआत की गई है। जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं, अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मैदान तक, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का होगा? 110। सरकार और सरकारी महकमे के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, जिसे समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालिए। 24 घंटे में बिहार में 13,534 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 151 लोगों की मौत हो गई। 31 मार्च को राज्य में मात्र 1,579 एक्टिव मामले थे, जो बढ़कर 109,945 हो गए हैं। बढ़ते एक्टिव मामलों से अब प्रदेश का रिकवरी रेट भी गिरकर 77.36% पहुंच गया है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ और आज तक के कैमरे में कैद बिहार के अस्पतालों की तस्वीर राज्य के हालात को समझने के लिए काफी है। पटना से उत्कर्ष के साथ आशुतोष मिश्रा, आरा आज तक। कर्नाटक में ऑक्सीजन न मिलने से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। यह खबर जितनी भयानक है उतनी ही दर्दनाक भी है। सरकारी अफसर इसे हादसा कह रहे हैं, मगर जिस तरह से हालात बने उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लापरवाही ने 24 लोगों को मार डाला। ये ऐसा दर्द है जिसे सुनकर दशों दिशाएं दरक जाएं, दर्द की पृथ्वी पाताल में खींच ले जाए। इस तकलीफ को समझने के लिए नहीं चाहिए किसी भाषा का संस्कार। एक आदमी बेबस होकर, बेचारा होकर, बदहवास होकर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा। इस आदमी ने अपने पीछे बनी इमारत जिसे सरकारी अस्पताल कहते हैं, उसमें अपने बेटे को, बेटा 75% तक रिकवर हो गया था, लेकिन ठीक होने से पहले अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो गई और साथ ही खत्म हो गया इस परिवार का दुलारा।
और इसके जैसे 24 परिवारों ने कर्नाटक के चामराजनगर का सरकारी अस्पताल है, यहाँ कोविड के मरीज भर्ती थे, ऑक्सीजन पर थे, अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई और यूं लगा कि हर सांस अंतिम होगी, घुटने लगे लोग, आने लगी हिचकियां, कसमसाने लगा शरीर, अंदर की सांस अंदर रह गई, हलक सूखा और प्राण पखेरु उड़ गए। एक नहीं 24 लोगों ने तड़प तड़प के एड़िया रगड़ते हुए जान दे दी। लोगों को लगा था कि ऑक्सीजन आ जाएगी। चामराजनगर से मैसूर की दूरी 1 घंटा 17 मिनट की थी, मगर ये 1 घंटा 17 मिनट बहुत भारी पड़ गए। 1 घंटा 17 मिनट तक नहीं पहुंची ऑक्सीजन और 24 मरीज नहीं रहे इस दुनिया में। जब 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया, अस्पताल शमशान बन गया, अस्पताल के बाहर चीख पुकार मच गई, तब कहीं जाकर नीति नियंताओं को होश आया। ऑक्सीजन के 60 सिलेंडर पहुंचाए गए। काश ये 60 सिलेंडर पहले आ गए होते तो 24 लोग जिंदा होते। जब 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया तब ये दुरप्पा सरकार जागी। आनन फानन में आपात बैठक शुरू हुई कि सूबे में ऑक्सीजन की किल्लत को कैसे दूर करें। मगर इन मौतों के बाद कांग्रेस ने ये दुरप्पा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस कह रही है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए ये दुरप्पा सरकार के पास कोई नीति है ही नहीं। And there's a criminal neglect by the government of Karnataka. They don't seem to have a blueprint in place for us to get out of the pandemic. They don't seem to know the way forward on how to deal with the logistics for oxygen. राजनीति अपनी जगह है, मगर इस तरह से लोगों का बगैर ऑक्सीजन के मर जाना बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त होता कि कोई बगैर दवाई के मर जाए, प्रशासन की ढिलाई से मर जाए। ये सरासर लापरवाही है सरकार, लापरवाही है। चामनगर से नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश इन दिनों कोरोना की मार से कराह रहा है। संकट की इस घड़ी में इलाज की मुश्किल और ऑक्सीजन की कमी ने मुसीबत और बढ़ा दी। ऐसे हालात में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या लॉकडाउन की आखिरी रास्ता अब रह गया है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। कोरोना की मार से कराह रहा है, चारों ओर उदासी का मंजर है, चारों ओर तड़प की तस्वीरें हैं, चारों ओर लोग मर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और इस बेबसी, बेचारगी, बदहवासी को दूर करने के लिए क्या सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है? लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन ही अब कोरोना की इस महामारी को रोकने में कारगर हथियार बचा है? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि भले ही पीएम मोदी ने कहा हो कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माने, मगर मौजूदा समय यही कह रहा है कि शायद अंतिम विकल्प मानने की घड़ी आ गई है, जिसकी दुहाई अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी दे रहे हैं। बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया, हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया, उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए, तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा है कि सरकारों को लॉकडाउन के बारे में अब विचार करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले गरीब तबके की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान भी रखा जाए। कुछ ऐसी ही मांग आज विपक्ष की ओर से भी की गई, जब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने लॉकडाउन से पहले नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही और कहा कि इसके लिए सरकार को पूरे विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठे और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भले ही टुकड़ों में, किश्तों में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नाम से लॉकडाउन लगाए हों, मगर उन्हें भी लगा था कि लॉकडाउन जरूरी है। सबसे पहले लॉकडाउन वाली इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, जो कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में इस आंशिक लॉकडाउन का असर भी दिखा और यहाँ कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 392,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 367,000 केसेज,
तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान उड़ीसा जैसे राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन या कर्फ्यू का फैसला किया और कई राज्य वीकेंड लॉकडाउन की ओर बढ़े। ये बात साफ है कि कमजोर तबकों को होने वाली मुश्किल और आर्थिक हालात को देखते हुए अब तक लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माना जा रहा था, लेकिन कोरोना की मार को देखते हुए अब खुद व्यापारिक संगठन लॉकडाउन की वकालत करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो कोरोना पर राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित करें। अनेक राज्यों के अंदर जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लगभग कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में यदि एक राष्ट्रीय लॉकडाउन किया जाता है तो कोरोना का काफी हद तक हम लोग सामना कर सकेंगे, लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचा सकेंगे। पूरी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि किसी तरह से भी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और महामारी की मार से आई इस आफत से लोगों को राहत दिलाई जा सके, चाहे इसके लिए कुछ समय के लिए लॉकडाउन जैसा सख्त कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि इस हिंसा में उसके 9 कार्यकर्ता अब तक मारे गए हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगा रही है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। जिस दिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, यानी कि 5 मई को, उस दिन भारतीय जनता पार्टी देश भर में धरना देगी। यही नहीं, कल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल के चुनाव के बाद जो नतीजे आने के बाद जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ वो कल कोलकाता जा रहे हैं और खबर यह है कि वो कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे जिन कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है इस हिंसा में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही राज्य में सियासी हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग के बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा किया, जिसका नतीजा हिंसा के रूप में देखने को मिला। इसी तरह की हिंसा नंदीग्राम में देखने को मिली, जहां बीजेपी ने दफ्तर में तोड़फोड़ करने का इल्जाम टीएमसी पर लगाया। नंदीग्राम में दीदी की हार से नाराज उनके समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले को भी निशाना बनाया। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थर बरसाए गए। कूच विहार में बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। कूच विहार में ही बीजेपी के एक ऑफिस में भी तोड़फोड़ के आरोप लगे। कोलकाता में भी बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। यहाँ पर बीजेपी समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल के बीच सियासी रंजिश इतनी गहरी हो चुकी है कि राज्य में कब कहां हिंसा हो जाए कहां नहीं जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने हिंसा की जांच करवाने का भरोसा दिया है। ये ठीक नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स, दैट इज ओल्ड वन, ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विथड्रॉ करने के लिए। हिंसा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पहले पुलिस महानिदेशक को समन किया और फिर बाद में राज्य के गृह सचिव से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। इस हिंसा पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी का इल्जाम है कि जानबूझकर उसके नेताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी से टीएमसी कार्यकर्ता खासे नाराज हैं, जिन्होंने नंदीग्राम से ममता को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया, जिससे टीएमसी के कार्यकर्ता बेहद खफा है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। बीजेपी का कहना है कि उसके 9 कार्यकर्ता पिछले 24 घंटे में हिंसा का शिकार हो चुके हैं। ममता बनर्जी के संरक्षण में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि चुनाव जीतने के बाद वो हिंसा क्यों करेंगे। बंगाल में सियासी हिंसा पर आज तक ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय से बातचीत की। वीरभूम में हमारी 2 महिला कार्यकर्ताओं को उठा के ले गए, उनके साथ रेप किया गया है
और ऐसे बहुत सारी घटनाएं लगभग 700 गांवों से भी मेरे पास खबर आई है जहां लूटपाट चल रही है और एक विशेष वर्ग के लोग ही ये काम कर रहे हैं और पूरे अराजकता मचा दी है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की दुर्गति हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमने अभी एक बीजेपी का कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ हमने कहा है कि जहाँ जहाँ घटना हो रही है लोगों के घरों में आग लगा दी, हमने कहा आप यहाँ आ जाइए कलकत्ता, कलकत्ता में हम धर्मशाला लेके उनके लिए एक पनाह घर बना रहे हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और अभी भी हिंसा का तांडव जारी है। मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ कि बिल्कुल जुलूस बनाकर माइक लेकर गुंडे बिल्कुल लठ लेकर घरों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं और ऐसी अराजकता तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। मुझे लगता है कि जब देश का विभाजन हुआ होगा उस समय पाकिस्तान में ऐसी अराजकता होगी, ऐसी अराजकता यहाँ पर देखने को मिली और एक विशेष वर्ग एक विशेष समुदाय के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस फोन नहीं उठा रही है। एक अधिकारी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ये निर्देश मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा, मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए कि सब होने दो जो भी हो रहा है। चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बेघर बार हो गए। हम सब उनको कलकत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मशाला लेकर उनको यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान कर सकें। कुछ हिंसा का घटना घटी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बताई है वो नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा का घटना घटे। वो तृणमूल के सब कर्मियों को बोला कि कोई जलूस नहीं निकलने को और हिंसा से दूर रहने को, लेकिन हमला हमारे लोग पर भी हो रहा है। वर्धमान या कूचबिहार में दो घटनाएं घटी और वर्धमान में हमारा एक कर्मी का मौत हुआ। सब लोग को इससे दूर रहना चाहिए। हम भी मानते हैं कि इतना बड़ा जय के बाद छोटा मोटा हिंसा नहीं घटना है, लेकिन बीजेपी तो बराबर हिंसा को बढ़ा के देखा है। चुनाव के समय सारा हिंदुस्तान से 2 लाख केंद्रीय वाहिनी लाए थे, अभी वो हिंसा हो रहा है करके रो रहे हैं। तो वो बताए कि पश्चिम बंगाल में कहाँ चुनाव के समय हिंसा हुआ, 4 आदमी मारे गए वो भी सेंट्रल फोर्स के गोली से। तो बीजेपी सेंट्रल फोर्स तो अभी कल परसों तक मुख्यमंत्री नए ढंग से जब तक शपथ नहीं लेती है तब तक केंद्रीय सरकार को चल रहा है वो हिंसा को नियंत्रण करे। हम लोग तो पूरा उस पर काबू करने का कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें विश्वास नहीं करते। ऐसे ही तो लोग बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमें हिंसा करने का जरूरत भी किया है। गृह मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के गृह सचिव से पूछताछ की है कि आफ्टर इलेक्शन कितने वायलेंस हुए इसकी हमें जानकारी दें, पर चूंकि पुलिस में दर्ज ही नहीं हुए, पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही है और इसलिए क्या जानकारी देगा गृह सचिव, वो तो कह देंगे कि कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बेशर्मी के साथ ममता जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक कार्यकर्ता कोई आज के समय में कोई सोच सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाथ लगा दे, पर बेशर्मी से ममता जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा बीजेपी के लोगों ने, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है और पता नहीं कितने कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है बंगाल। कल हम राज्य के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और इस संबंध में गृह मंत्री जी ने बहुत सीरियसली एक्शन लेने का हमें आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है कि मैं तत्काल आता हूँ, हो सकता है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल आए और इन सब मामलों में हमसे चर्चा करें और यहाँ के हालात के बारे में स्वयं जाकर देखें, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा राजनीतिक बदला कभी भी नहीं देखा। ये कैलाश विजय वर्गीय डे वन से ये बड़ा के बोले हैं फिगर्स, हम चाहते हैं कि वो इन 9 लोगों का नाम पता और डिटेल को खुलासा करें।
दूसरी बात है वो कहाँ कहाँ आगजनी हुआ है वो खुलासा करे। हम बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमारा सरकार आया है, हम शांति चाहते हैं। मुख्यमंत्री आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शाम को अपील किया है हमारे कर्मियों को शांत रहने को, और हम शांति रखेंगे। तो ये हिंसा का बात जरा बड़ा के बोला जा रहा है। बीजेपी को अभी संगठन अपने को ठीक करना है, हमारे खिलाफ आरोप करने से कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं हुआ उन लोग को, नहीं होगा भी। गवर्नर से मिले हैं, हमने होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी राज्य के, हमने होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर ने पूछताछ भी की है, पर ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कल से हमें आवश्यकता है तो हम कुछ मैदान में उतरेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे, यदि हम पे भी हमला होगा तो हम सहन करेंगे, बाकी इस प्रकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। यदि कोई जवाबदार व्यक्ति अपने जीत के अहंकार में इतनी मदमस्त हो जाए कि जो हो रहा है उसको होने दे रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। मुझे अभी एक हमारे जगन्नाथ जी हैं जो सीवड़ी से चुनाव लड़े, उन्होंने अभी फ़ोन करके बताया कि एक 13 साल की आदिवासी महिला के साथ 9 लोगों ने बलात्कार किया, वो बेहोश हो गई, उसके घर वाले उसकी बेहोशी की हालत में उस लड़की को लेकर भाग गए, उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो थाने पे जाके रिपोर्ट करें। इसी अराजकता, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अभी प्रशासन किसी के हाथ में नहीं है, जब तक ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, नए ढंग से वो शपथ नहीं लेंगे, उनका अथॉरिटी नहीं रहेगा। मुझे कहने का मतलब ये नहीं है कि तब तक अभी पूरा जिम्मेवारी अभी तक चुनाव आयोग पर है, वही तो पूरा मिसमैनेज किया है बंगाल का स्थिति, वही कर रहे हैं, कल परसों तक ठीक हो जाएगा। मेरे को तो एक अधिकारी ने बोला, आईपीएस अधिकारी ने, कि हमें निर्देश दिए गए कि आप फोन भी मत उठाइए, बात भी मत करिए, और जो हो रहा होने दीजिए। मैं शपथ बोला, शपथ समारोह के बाद हम इस बारे में विचार करेंगे, अभी जो हो रहा होने दो। 200% वो करवा रही है, 200% उनके इशारे पर हो रहा है, उनके नेताओं के इशारे पर हो रहा है। ये तो ऐसी अराजकता हो कि सरेआम बिल्कुल खेला हुए लठ लेके जा रहे हैं, माइक वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक एक घर, हमारे कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए, तो उनके घरों में आग लगा दी, सारा सामान लूट के ले गए, एसी तक खोल के ले गए, पंखे ले गए लूट के। मतलब आप विश्वास करेंगे कि कपड़े की दुकान हमारे कार्यकर्ता की, उसकी पूरी दुकान लूट ली, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही, पर सारा कपड़े का सामान लेके चले गए। एक कार्यकर्ता की जूते की दुकान थी, वो जूते के सारे उठा उठा के ले गए। मतलब अराजकता है बंगाल के अंदर अभी, ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। एक स्वतंत्रता के 70 साल हो गए, और यहाँ पर अगर इस प्रकार की अराजकता हो गई, मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और अमित जी से मेरी 3-4 बार बात हुई है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, और हम लोग इसको इसको इस प्रकार की हिंसा होने नहीं देंगे, हम मैदान में उतरेंगे कल। ये सब झूठी बात है, अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए, बहुत दिन तक रहे हैं, उनका बयान से बंगाल में हिंसा बढ़ गया है, तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो रहे। दिलीप घोष का एक बयान मैंने सुना, वही दिलीप घोष जो ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने को कहा था, उसका बयान सुना ये हिंसा के बारे में, तो ठीक है, दिलीप घोष बोलेगा, कैलाश विजयवर्गीय को आउट नहीं बोलना चाहिए। हम हिंसा अभी अभी काबू कर लेंगे, ममता बनर्जी को शपथ ले लेने दीजिए, पूरा कानून व्यवस्था उनको हाथ में आ जाए, जल्दी जल्दी इसको बंद हो जाएगा। उन्होंने बोला था भाषण में, बोला चुनाव के बाद देखूंगी, मैं तो जीत के आ रही हूँ, एक एक से बदला लूंगी, सरेआम बोला, ओपनली बोला था उन्होंने, वो भी वीडियोज में आपको दिखा दूंगा। और इसीलिए उनके इशारे पर, मैं कह रहा हूँ, उनके इशारे पर हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिलवाए कि कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठाएगा, कोई कहीं पर भी। अभी हमारे कल्याण जी ने बोला, बोले कि पुलिस अधिकारी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। उनके क्षेत्र में, शहर के अंदर, कल्याण मतलब कलकत्ता शहर के अंदर लगभग 250-300 मकानों के अंदर तबाह कर दिया गया, एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। हमारा पार्टी के लोगों को हम निर्देश भेज रहे हैं, इतना बड़ा स्टेट है,
लगभग 300 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें शायद सब मिलके 30-35 हजार गांव है। सब जगह निर्देश पहुंचने में देर होता, कहीं कहीं स्पॉन्टेनियसली हो जाता। बीजेपी के लोग बहुत सीना जोड़ी दिखा के चारों तरफ घुमा, बोला हम ही लोग हुकूमत में आएगा, हमारा अमित शाह बोला है अगले बार 200 पार, तो वो ऐसा सीना को बड़ा करके 56 इंच बना के घूम रहा था। तो कुछ लोगों में नाराजगी होगा, तो हम उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोवोकेशन ये बीजेपी से आया था, अभी तो बेचारा भागने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।